उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान के काफिले में चल रही कार की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महितपुर विधानसभा के विधायक बहादुर सिंह चौहान अपने विधानसभा महितपुर से उज्जैन आ रहे थे कि काफिले में चल रही कार की भिड़ंत हो गई। इसमें कार को काफी नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। नवनियुक्त प्रदेश के उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान महितपुर विधानसभा के विधायक है और कुछ सप्ताह पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। जहां भी नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष जा रहे हैं वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। माननीय विधायक जी को जिस प्रकार से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है संगठन ने उपाध्यक्ष के पद पर, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, किस प्रकार से क्या रहेगा? महितपुर तहसील में तो पूरा उत्साह है, उसके बाद में पूरे क्षेत्र में, संभाग में, और मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में विधायक जी के उपाध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, हम सब कार्यकर्ता मजबूत होंगे। आने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हम सबको भाजपा का परचम लहराएंगे, यही आशा के साथ। हमारे विधायक जी बहुत मजबूत हुए हैं, हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आज किस प्रकार से कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित होंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा? आज उज्जैन में हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोक शक्ति कार्यालय पे हमारे लोकप्रिय विधायक जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर चिंतामन जी मालवीय को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, उनका भी स्वागत होगा। और उज्जैन के ही है अनिल जैन कालूहेड़ा, उनको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है प्रदेश का, उनका भी स्वागत होगा। हम सब महितपुर से पूरे काफिले के साथ उज्जैन रैली के रूप में जाएंगे। हमारे विधायक जी आने वाले हैं, उनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठित हो रहे हैं, यहाँ से एकत्र होकर उज्जैन के लिए रवाना होंगे। सरकार से उत्साह बना हुआ है माननीय विधायक जी को उपाध्यक्ष होने के नियुक्त होने के बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महितपुर के लोकप्रिय विधायक को मालवा क्षेत्र में किसान के नेता के रूप में उन्होंने नवाजा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और पूरे मालवा क्षेत्र में आने वाले चुनाव में भी आगर और आलोट जैसी सीटें भी हम जीतेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के महितपुर के भाई बहादुर सिंह जी को उपाध्यक्ष बनाया है, क्योंकि निश्चित रूप से मेरा साथी है, मुझे बहुत गुस्सा है। और आज मैं पहली बार इस सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके लिए आपने जो प्रश्न पूछा मैं बता रहा हूँ। निश्चित रूप से बहादुर सिंह जी को जो काम सौंपा है वो अपने दायित्व में खड़ा उतरेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज किस प्रकार से कार्यक्रम होंगे और किस प्रकार से क्या रहेगा आज? आज का तो भारतीय जनता पार्टी उज्जैन ग्रामीण जिले ने निर्णय लिया है कि जिले के समस्त कार्यकर्ता का आह्वान किया है कि वो आएँ और संभाग में जितने भी प्रदेश पदाधिकारी बने हैं, चिंतामणि जी मालवीयपुर सांसद, वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाई बहादुर सिंह जी, और सहकोषाध्यक्ष भाई अनिल जैन, इनका लोक शक्ति कार्यालय में भव्य स्वागत रखा गया है। और इससे वातावरण बनेगा और निकट भविष्य में ग्राम पंचायत के चुनाव है, निश्चित रूप से जिला पंचायत जनपद में हम भारतीय जनता पार्टी का ही परचम फहराया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।